नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जनमत की परीक्षा हो रही है। दंतेवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और जो रुझान शुरुआती तौर पर आ रहे हैं उनमें कांग्रेस आगे चल रही है। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर दंतेवाड़ा के दंगल की। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद चुनाव हुए हैं और मंडावी के लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। बीजेपी ने उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी को टिकट दिया था तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा उम्मीदवार थी। आपको बता दें कि महेंद्र कर्मा की झीरम घाटी के नक्सली हमले में जान चली गई थी। और आपको बता दें कि शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए जिसमें कांग्रेस ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। 7,000 के तकरीबन वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के दंगल में कांग्रेस आगे, देवती कर्मा जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बनाकर रखी हुई है और बीजेपी पीछे। अगर बीजेपी हारी तो बस्तर में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा दंगल का आज परिणाम आने वाला है और अगर दंतेवाड़ा का चुनाव बीजेपी हारती है तो बस्तर में बीजेपी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। बस्तर में बीजेपी नहीं रहेगी फिर, क्योंकि जिस तरह से एक ही सीट थी जिस पर बीजेपी का कब्जा था वो भी इस बार जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से 7,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस आगे चल रही है उससे हो सकता है कि ये जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में जाए। बीजेपी के अंदर मासूमी छाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं जो इस वक्त वहां पर वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग में कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए है। 6,932 के तकरीबन जो वोट है उससे कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी देवती कर्मा आगे चल रहे हैं और एक और कहा जा सकता है कि बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार बीजेपी हर वो कोशिश कर रही थी कि एक तरफ 15 साल के विकास की बात कर रही थी तो वहीं अगर देखें भूपेश सरकार की कुछ महीनों की सरकार ने परिणाम को बदल दिया है और सेंसिटिव वोट का जो जिक्र किया जा रहा था वो काम नहीं आया। ये कहा जा सकता है कि जनता जागरूक हो रही है। ये 1995 का दौर नहीं है। अब हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को समझता है, अपने विकास की बातें समझता है। शायद यही वजह है कि जो ये परिणाम ये रुझान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, जिस तरीके से देखा जाए अंतर और ये खाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है। छठवें राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा ने बड़ी बढ़त बनाई है और ये एक ऐतिहासिक बढ़त है और वो ऐतिहासिक जीत की तरफ अब बढ़ रही है। कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल है। ढोल नगाड़े बाजे और आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेसियों के दिग्गज नेता प्रदेश स्तर के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से लेकर तमाम विधायक हैं जो बस्तर के, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी के जो खेमे में मायूसी छा गई है, धीरे धीरे एक स्तर के नेता खटकते हुए खटकते जा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के खेमे में ही जब का माहौल नजर आ रहा है। पंकज, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा नेटवर्क में आके बात कीजिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लेकिन पंकज, जिस तरीके से देखा जाए 15 साल के विकास की बात करें और ये कुछ महीने की सरकार या 8-9 महीने तकरीबन हुए हैं कांग्रेस सरकार को, इसके विकास की बात किया जाए तो 15 साल पर भारी पड़ गया ये विकास? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार है और एक बड़ा मैनेजमेंट यहाँ पर चुनाव लड़ा था। उनके 11 विधायक थे और सामने बीजेपी के टुकड़ा साहब देती तो पहले से ही स्थिति थी। भीमाराम मंडावी थे जिन्होंने दंतेवाड़ा सीट को बचाया था और बीजेपी ने इस बार उनकी ही पत्नी ओजस्वी मंडावी को दिया था तो एक शहादत का फैक्टर लग रहा था कि दंतेवाड़ा विधानसभा में काम आ सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में शायद हो सकता है कि भीमाराम मंडावी की शहादत के नाम पर कुछ वोट मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम महीने भर से रह करके उन्होंने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली, तो मतलब ये जो चुनाव था दंतेवाड़ा का, ये एक दोनों पार्टी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव था। हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन वो ताकत कांग्रेस की फोर्स के आगे काम नहीं आई। पंकज का यार, बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन कांग्रेस जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ रही थी यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, बीजेपी कांग्रेस अभी जो वर्तमान में 68 सीट जीत करके आई और जो नए नए वादे की, उसमें से बस्तर के आदिवासी आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई जो आदिवासियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना थी। जैसे उन्होंने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, जैसे उन्होंने वन उपज का मूल्य बढ़ाया, और कई और अभी उन्होंने कुपोषण योजना चलाई कुपोषण को दूर करने के लिए। तो इस तरीके की जो योजनाएं थी उनका भी उन्हें लाभ मिला। और जो बीजेपी, और अभी हाल में 9 महीने हुए हैं, भाई इलेक्शन है, तो जो कर्मचारी वर्ग का एक तबका होता है उसकी सोच में ये बात रहती है कि अगर यहाँ से शासन की नहीं जीतती है, शासन की प्रत्याशी नहीं जीतती है, तो उनका भी हो सकता है कि आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि आगे का 4.5 साल का वक्त सत्ता को ही गुजारना है, क्योंकि इस जीत और हार से किसी पार्टी के प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सीट को जीतकर कांग्रेस ना तो सरकार बनाने वाली है, ना तो भाजपा हार के भाजपा जीत करके कोई बड़ा तीर मारने वाली है। बिल्कुल पंकज, पूरी मतगणना पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांधी जयंती पर